हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन मेट्स। तो आज हम बात करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत लिली के प्लांट के बारे में। इसे ब्लड लिली या फिर फुटबॉल लिली भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकती हो, इसमें बहुत ही खूबसूरत राउंड फुटबॉल शेप फ्लावर्स आए हुए हैं। ये बेसिकली एक फ्लावर नहीं है, ये इसमें बहुत सारे फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये अलग अलग फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो ये जब पूरी तरह से खिल जाता है, ये एक फ़ुटबॉल का शेप ले लेता है, तो इसीलिए इसे फुटबॉल लिली कहा जाता है। तो लाइक बाकी लिली के जैसे ये भी बल्ब से ही ग्रो होते हैं। तो आप इसे मार्च से अगस्त के बीच कभी भी लगा सकते हैं। ये फ्लावरिंग आपको जुलाई और अगस्त में ही करेगा। मैंने ये सारे प्लांट्स, मेरे पास यहाँ पर 8 प्लांट्स है, तो ये सारे के सारे मैंने जुलाई में लगाया था और 15 दिन के अंदर में ये खिल चुका है। ये दो फ्लावर्स, ये फ्लावर अभी जस्ट 3-4 दिन हुए हैं खिले हैं, तो ये अभी पूरी तरह से खिला नहीं है ठीक से। और जैसा कि आप देख सकते हैं शेड, क्योंकि ये पहले खिल चुका था तो ये थोड़ा सा फेड होने लगा है इसका कलर। और ये बाकी सारे काफ़ी ये काफ़ी ब्राइट लग रहा है ये फ्लावर। इसके जो लीव्स आते हैं, लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक पहले आ चुका है, ये फ्लावर पहले आ चुका था और अभी लीव अभी तक आए नहीं है। ये पूरी तरह से लीव निकले नहीं है देखिए। लेकिन ये जो दो प्लांट है देखिए, इसमें लीव और फ्लावर साथ में ही आएंगे। तो ये डिपेंड करता है, आपका प्लांट या तो पहले फ्लावरिंग देगा उसके बाद लीव्स आएंगे, या तो वो साथ में ही ग्रो होते हैं। और मैंने ये सारे प्लांट लाइक बल्ब साथ में ही लगाए थे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लाइक आपके बल्ब एक ही टाइम में फ्लावरिंग करेगा। देखिए जैसे एक के बाद एक ये फ्लावर आते जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, आप जो मार्केट से बल्ब लाते हो, वो काफ़ी दिनों से खिलता नहीं है, वो ऐसे एक वाइट कलर की लेयर या फिर छिलके जैसा वो कवर्ड रहता है, और आप मिट्टी में वो वैसा कि वैसा ही रहता है, उसमें ना ही लीव्स आते हैं ना ही स्टॉक आते हैं। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऐसा छिलका होता है उस पर, तो इस छिलके को हल्के से आप निकाल लीजिएगा। मैंने अपने सारे बल्ब से वो जो छिलके थे निकाल दिए। एक बल्ब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वो बल्ब काफ़ी दिनों से जब उसमें स्टॉक नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसको जस्ट ऐसे स्लाइटली, जब मैंने वो छिलके को निकाला तो देखा उसमें से वाइट, उसमें वर्म्स हो गए थे, क्योंकि वो खिल नहीं पा रहा था, मे बी उस, मुझे लगा उस छिलके के वजह से। तो मैंने वो छिलके जब सारे बल्ब से निकाल दिए, तो खुद ब खुद उसमें 2-3 दिन में ये स्टॉक और ये लीव्स आना शुरू हो गए। तो आप भी वो कर सकते हैं ट्राई। और बल्ब जब भी मार्केट से आप लाए, तो ये ध्यान में रखिएगा कि वो काफ़ी बड़े साइज़ के हेल्दी बल्ब्स हो, क्योंकि यूजुअली स्मॉल बल्ब जो होते हैं वो फ्लावरिंग नहीं देता है, और फ्लावरिंग हो भी जाए तो वो अच्छे से खिलता नहीं है, वो ऐसे फुटबॉल शेप जो आप देख रहे हो इतनी खूबसूरत शेप नहीं आएगा। बल्ब क्या होता है कि आपका नीचे की तरफ वो राउंड होता है, ऊपर में टिप होता है, तो टिप आपकी ऊपर की तरफ होगा मिट्टी में जब आप लगाए, और वो जो राउंड पोर्शन है वो मिट्टी के अंदर होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप किसी भी तरह का बल्ब हो, कभी भी मिट्टी से पूरा मत ढक दीजिए, वरना वो सड़ जाएंगे अंदर में। तो जस्ट 10% जो है पोर्शन आपका वो बल्ब का, आप ऊपर में रहने दीजिएगा। और जहाँ तक मिट्टी की बात है, तो इसमें आप मैंने 70% गार्डन सॉइल दिया हुआ है, 20% सैंड है और 10% कंपोस्ट है, मेरे ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो मैं किचन वेस्ट से ही बनाती हूँ। तो इसमें सैंड होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ गार्डन सॉइल होगा, जब आप पानी डालोगे तो वो पॉट क्या है ना, वो उसमें मिट्टी कीचड़ हो जाती है, तो वो आपके धीरे धीरे आपके जो बल्ब्स है वो सड़ने लगेंगे। अगर पोरस होगा सैंड के वजह से, मिट्टी पोरस होने के कारण वो अच्छे से वेल ड्रेन हो जाती है, तो आपके बल्ब्स को अफेक्ट नहीं करेगा। और ध्यान रखिएगा, जब आपका ये पूरा सूख जाए पानी, आप तभी इसमें पानी दीजिए। ये डिपेंड करता है आप किस रीजन में रहते हो, अगर वहाँ पर बहुत बारिश होती है या फिर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उसे एक बार पानी देने से चल जाएगा। लेकिन गर्मी के मौसम में, हमारे यहाँ मैं तो 3 टाइम पानी देती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ही हार्ड हो जाता है और बहुत ही सूख जाते हैं। फ़िलहाल अभी बारिश का मौसम है, तो मैं इसे 1 टाइम ही पानी देती हूँ।
जहाँ तक इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे डायरेक्ट सन में ना रखिए, ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा और शायद फ्लावरिंग ना भी करे, क्योंकि इसे यू नो पार्शियल सनलाइट पसंद है। मैंने भी इसे शेड में ही रखा हुआ है, इसमें धूप आती है पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, डायरेक्ट सन में कभी मत रखिएगा इसे, ये ठीक से खिलेगा नहीं। और कांटेक्ट में आते हो उस प्लांट के, ये थोड़े से इसके रूट पॉइजनस होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि आप इसे लगा रहे हो या फिर कटिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर कीजिएगा या तो आप ग्लव्स पहने या फिर हाथ को अच्छे से धो लें। ये प्लांट जब ये फ्लावर सूखने लगे, जब पूरी तरह से सूख जाए, तो आप इसके लीफ को काटिएगा मत, क्योंकि ये एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज़ होते हैं डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। इसके लीव्स काफ़ी खूबसूरत होते हैं, जैसे मैंने बताया था ये 1 फुट तक का प्लांट होता है और लीव्स काफ़ी अच्छे शेप्स के होते हैं। और दूसरा कारण ये है कि ये लीव जो है एनर्जी स्टोर करते हैं कि आपका बल्ब हेल्दी रहे और नेक्स्ट ईयर वो और भी अच्छे फूल दे। जब ये प्लांट डोरमेंट सीज़न में चला जाए तो बस इसे ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा ये ग्रोथ नहीं करेगा, और उसे वहीं रहने दीजिए, क्योंकि वो फिर से नेक्स्ट ईयर जैसे नॉर्मली अभी आपका जैसे मेरा प्लांट्स यहाँ ग्रो हुए, वो फिर से नॉर्मली ग्रो हो जाएगा। जैसे बाकी लिलीज़ में मेरे रेन लिलीज़ है मेरे पास, वो मैं ऐसे ही बल्ब वो उसी मिट्टी में रहने देती हूँ, वो फिर जब सीज़न आता है तो खुद ब खुद वो उसमें लीव्स और फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, तो आप इसमें महीने में एक बार ही फर्टिलाइज़र दीजिए। बोन मील इसके लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसे जब प्लांट लगाते हो ये बल्ब्स को, उस वक्त भी आप जैसे मैंने कहा था सैंड और मिट्टी और आपका ये कंपोस्ट के अलावा आप उसमें एक मुट्ठी बोन मील भी मिला दीजिए। बोन मील में क्या है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं, जो किसी भी बल्ब्स के लिए या प्लांट के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो आप उसमें दे सकते हो। और जब ये फ्लावरिंग करना लगे और यू नो ग्रोइंग सीज़न में, आप उसे 15 डेज में भी वो बोन मील दे सकते हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपको मैंने इस फुटबॉल लिली के बारे में सारी डिटेल्स दे दी है, अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जैसा कि आपने देखा कि मैंने लिलीज़ बल्ब से ग्रो किए हैं, तो ये बल्ब मैंने एक ई कॉमर्स साइट से ऑर्डर किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास रेन लिलीज़ के भी प्लांट है, तो उस प्लांट को कैसे केयर और मेंटेन करना है, तो उसके लिए एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कुछ यू नो नए नए अपडेट्स चाहिए या फिर यू नो जानकारी चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।